पूरे जिले भर में सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला कहलगांव थाना क्षेत्र का है। कहलगांव थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर एक युवक को ओवरलोड ट्रक ने रौंद दिया। घटना के दौरान युवक का एक पैर कटकर अलग हो गया और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो लगातार लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन स्थानीय ग्रामीण उसका वीडियो बनाते रहे। फिर किसी तरह युवक घायल अवस्था में अपने पैकेट से मोबाइल निकाल कर अपने परिजनों को फोन किया और घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंचे परिजन पुलिस को फोन करते रहे, लेकिन स्थानीय पुलिस फोन नहीं उठा रहे थे। इसके बाद परिजनों ने 112 को कॉल करके इसकी सूचना दी। 30 मिनट बाद 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और उसे अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अनुमंडल अस्पताल की लापरवाही तो देखिए। घायल अवस्था में युवक पड़ा हुआ रहा, लेकिन कोई भी डॉक्टर अस्पताल से बाहर नहीं आया और युवक की मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया, युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान आनंदीपुर निवासी दयानंद झा के रूप में हुई है। युवक कहलगांव के सरस्वती सुविद्या मंदिर में गार्ड की नौकरी करके अपना भरण पोषण करता था। वहीं युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजन ने 5 घंटे तक मुख्य सड़क मार्ग NH80 को जाम कर दिया। घटना स्थल पर पहुंचे थाना अध्यक्ष अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी CEO DCLR ने लोगों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। परिजनों की एक ही मांग थे कि अभी ही मुआवजा मिले, ट्रक पर कार्रवाई हो और अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। हालांकि इस बात पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तैयार हुए और काफी मशक्कत के बाद जाम को हटाया गया। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए कई ओवरलोड ट्रक और हाइवा को भी जब्त किया। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेजा गया है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पदाधिकारी से मांग की है कि इस सड़क पर सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक बड़ी गाड़ी के परिचालन पर रोक लगाया जाए, नहीं तो इस तरह की लगातार घटना होती रहेगी। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां की प्रशासन ओवरलोड बड़ी गाड़ी से अवैध वसूली करके गाड़ी को जाने देते हैं, जिस कारण इस तरह की बड़ी दुर्घटना होती रहती है। इससे लगभग एक महीना पूर्व कहलगांव थाना अंतर्गत आनंदीपुर के एक नाबालिग को ओवरलोड ट्रक ने रौंद दिया था, जिस कारण उस बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। फिर कुछ दिन बाद विक्रमशिला स्टेशन के पास एक युवक की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी। आखिर ये मौत का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर दुर्घटना होती और स्थानीय प्रशासन को आने में 30 मिनट का समय लगता है। आम आदमी को हमेशा डर बना रहता है कि ना जाने किसकी सड़क में दुर्घटना हो जाए। आपको बताते चले, इसी रास्ते में गणपत सिंह +2 विद्यालय, गांगुली स्कूल, SSB कॉलेज, DAV स्कूल, सरस्वती सुविद्या मंदिर स्कूल सहित कई स्कूल के बच्चे गुजरते हैं। हमेशा परिजनों के मन में यह डर बना रहता है कि कहीं कोई होनी ना हो जाए। इसके बावजूद भी ट्रक की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही। पूरा दिन सड़क पर ओवरलोड वाहनों का परिचालन होता रहता है, लेकिन इस पर ध्यान देने के लिए कोई भी नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस तरह से ओवरलोड वाहनों पर कब कार्रवाई होती है और कब तक यहां के स्थानीय लोग ऐसे ही सड़क दुर्घटना के शिकार होते रहेंगे। भागलपुर में सुबह से लगातार हो रही तेज बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। भागलपुर जिले में मानसून की आज पहली बारिश हो रही है। इस बारिश से जहां लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं किसानों के चेहरे में खुशी देखी जा रही है, क्योंकि अभी धान का बीज बोने का भी समय है। हालांकि मानसून की पहली बारिश से नगर निगम के दावे भी फेल होते नजर आए, क्योंकि समूचे शहर के सड़कों पर जल जमाव हो गया, जिससे लोग परेशान होते नजर आए। खासकर दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज कई वर्षों के बाद परमात्मा का असीम कृपा से इस प्रकार का बारिश हो रही है। पूरे बिहार में श्रावण मय का आनंद आगमन के शुभ अवसर पर इंद्र भगवान प्रसन्न होकर सभी को राहत प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार की गर्मी थी कि सभी मनुष्य, पशु, जीव जंतु सभी तबाह थे। 45 डिग्री, 42 डिग्री से ऊपर इस प्रकार की गर्मी में, और आज इंद्र भगवान इतने प्रसन्न होकर के सभी को सुखमय कर दिए, आनंद आ रहा है। हम तो हेलमेट खोल करके इस वर्षा का आनंद ले रहे हैं। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के दुलदुलिया में रास्ते पर पानी गिराने को लेकर विवाद में देवर ने भौजाई को पीटकर पैर तोड़ दिया। घटना के बाबत राजेश यादव ने बताया कि 13 जून की सुबह को मेरी पत्नी रेखा देवी गाय को चारा खिला रही थी। इस बीच में मेरा छोटा भाई नंदू कुमार आया और पत्नी को पीटने लगा। पत्नी जब कारण पूछी तो मेरा भाई नंदू ने कहा कि तुम लोग सड़क पर पानी गिराती हो, जिसके बाद पत्नी ने कहा कि पानी हम लोग नहीं गिराते, तो फिर भाई नंदू अपने हाथ में लाठी लेकर आया और पत्नी को पीटने लगा। पत्नी उसी जगह गिर गई। इसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें भी पीटने लगा। इसके बाद हम लोग मामले को लेकर पीरपैंती थाना गए, जहाँ पर किसी तरह की कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है, जिसके बाद थक हार कर हम लोग भागलपुर SSP के यहाँ आवेदन देने आए हैं। अब हमें न्याय का भरोसा है। 13 तारीख को एप्लीकेशन आवेदन वहाँ दिए सर, अभी तक कोई
सुनवाई नहीं हुआ। कौन थाना? पीरपैती थाना। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ सर कि मेरे पत्नी सुबह घर से निकलकर बाहर नाल में कुट्टी दे रहा था, देने के बाद बाथरूम जाने समय मेरे भाई ने लाठी भी मार कर पैर तोड़ दिया। अपना भाई? जी। काहे पैर तोड़ दिया? मार इससे सर बाद विवाद हुज्जतबाजी हमसे हुआ था और उसके बाद सुबह होकर पत्नी का मेरा पैर तोड़ दिया। हुज्जत होने कुछ कारण होगा ना? कारण ये था सर कि जैसे रास्ता होता है, रास्ते पे कुछ मौनी बिखरा हुआ था, उसके लिए बोले हम कि ऐसा क्यों करता है, उसी बोलता है हाँ मारेंगे हाँ करेंगे। सिर्फ पानी गिरा हुआ था उसके लिए? हाँ सर, भाई जबरन हर वक्त कभी मौनी कभी कचड़ा कभी कुछ ऐसे करते रहता है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में आज सुबह से लगातार बारिश होने के बाद नगर निगम की पोल खुल गई। शहर के आदमपुर चौक, मिर्जानहाट मुख्य मार्ग, बाल्टी कारखाना चौक पर नाले का पानी बह रहा था, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह लोग घुटने भर से ज्यादा पानी में इधर से उधर जा रहे हैं और लगातार नगर निगम को कोस भी रहे हैं। आपको बता दें, भागलपुर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से हल्की बारिश में इस तरह से लोग परेशान होते हैं और लगातार भागलपुर के नगर निगम के पावर से लेकर वार्ड पार्षद तरह तरह के दावे करते हैं। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में यह भी कहा कि नाले सफाई के नाम पर नगर निगम का लाखों रुपए पानी में बह जाता है और लोग नाले के पानी में डूब कर इधर से उधर करते रहते हैं। हर एक साल मानसून के कुछ दिन पहले से नाले का सफाई कार्य शुरू होता है और मानसून खत्म होते होते नाले का सफाई कार्य पूरा नहीं हो पाता है। अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा आज भागलपुर की समाहरणालय परिसर में धरना दिया गया। इन लोगों की मांग है कि कदवा दियारा में सड़क निर्माण को लेकर सरकार के द्वारा जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन सरकारी रेट पर जो मुआवजा देना है वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। अखिल भारतीय किसान महासभा की जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ था, जिसके तहत 96,000 रुपये प्रति डिसमिल सरकारी रेट था, लेकिन किसानों को सरकार के द्वारा 72,000 प्रति डिसमिल ही दिया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं, और यदि हम लोगों की मांग यहां पूरी नहीं होती तो हम लोग आगे तक जाएंगे। विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग किसानों के पक्ष में धरना दे रहे हैं। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो सरकारी रेट है 96,000 प्रति डिसमिल, वह कानूनी प्रावधान भी लागू नहीं किया जा रहा है, बल्कि 72,000 प्रति डिसमिल के दर से
किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, और जब किसान कानून लागू करने की बात करते हैं कि हमको कानून के आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए, 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ है उसमें ये नियम है कि किसानों को जो रजिस्ट्री रेट है प्रति मौजा में उससे 4 गुना दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो जो रेट है उससे भी कम दिया जा रहा है। हाँ, भूमि अधिग्रहण किसानों का हो रहा है कदवा में, प्रताप नगर मौजा में, वहाँ जो रेट है उस रेट से मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसलिए किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से कलेक्टर के यहाँ धरना देने आए हैं कि कानून कम से कम लागू हो। भागलपुर संहार नाले के द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली आवेदन के लिए वर्ष 2019 में विज्ञापन निकाला गया था। इसके बाद आज तक इन लोगों की बहाली नहीं हो पाई है। इसी मांग को लेकर आज संहार नाले परिसर में बेरोजगार युवकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का कहना है कि 2016 में जब आवेदन निकाला गया था तो 8 साल बाद भी आज तक हम लोगों को बहाल नहीं किया गया। हम लोगों का पैनल लिस्ट में भी नाम आ गया है, इसके बाद भी हम लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। 8 साल से लगभग भागलपुर समाहरणालय द्वारा 2016 में ही विज्ञापन निकाला गया था चतुर्वर्गीय पद के लिए, लेकिन इन 8 सालों में नीतीश सरकार द्वारा एक भी पद पर बहाली नहीं हो रहा है और नहीं किया गया है। अभी तक ये लटका के भटका के 8 साल तक रखा हुआ है। कभी आरक्षण रोस्टर दे देता है, कभी मार्क बेसिस पर बना देता है, जबकि चतुर्वर्गीय बहाली का पैनल में बिहार सरकार का रूल है 73-65 का।